रास्ते में बोले कि नहीं आगे से बताएंगे घूमना है कहाँ से, हम बताएंगे चलते रहिए, हाँ चलते रहिए चलते रहिए। तो कोई नहीं चले गए, तो हम बोले कि आप देवापुर कोई नहीं के आगे है देवापुर वहाँ ले जाएंगे, तो बोले कि हाँ वहीं ले जाएंगे। तो हम बोले कि यहाँ का तो 400 रुपया भाड़ा है, आपसे तो 120 रुपया तय हुआ है, आप तो वही देंगे। तो हम मन में सोचे कि इनसे पहुँचा के द्वार पर और किराया नहीं लेगा, हम वापस चले आएंगे, ऐसा समझे हैं कि आज बैठे ही हैं नहीं कमाए हैं, मालिक के जो देना है किराया उतना कमा लिए हैं, बाकी कोई बात नहीं, बहुत पैसा कम था इसीलिए हमसे पत्रकारों पूछे दरोगा साहब पूछे यही बात बताए। तो एक मिनट, जब वहाँ पहुँच गए जी, पहुँच के वो लोग महिलाएं उतर गई, उतर गई, लड़के उतर गए, पैसा आपने लिया? नहीं पैसा नहीं लिए, पैसा गिन के वो लोग रख रहे थे 120 रुपया दे रहे थे। हम बोले कि ना रख लीजिए किराया हमको नहीं चाहिए, बहुत कम में आए ये भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, गोसा में उसके बाद आप गाड़ी बैक कर? हाँ बाइक गाड़ी घुमा दिए, वो ये रास्ता से जा रहे थे, दूसरा रास्ता में रिटर्न गोपालगंज हो रहे थे। हाँ, हाँ, जी तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये लोग मोटरसाइकिल से पीछा किए, हमको बोले कि लड़का लेके भाग रहा है, बैग लेके भाग रहा है। तो हम बोले कि हम तो बैग सब बोले उतार लीजिए, लाइट पर देख लीजिए लाइट जला के, और लड़का उतर गए थे। तो बोले कि नहीं तू लड़का लेकर गाड़ी घुमाओ, तो हम एक टूम बोले हम उसी में गाड़ी घुमा दिए कि हम तो पैसा लिए नहीं है और लड़का सब उतर गया है, तो इसके लिए हम गाड़ी घुमा के आए हैं उनके द्वार पर। वो हमको मारने लगे, द्वार पर मारे, खेत में ले गए, फिर बैठे थे टी शर्ट फाड़ दिए, उसके बाद टी शर्ट दिए, टी शर्ट पहन के हम जा रहे थे थाना, फिर पेपर लाए थे वो पूछे उनको बताए कहाँ लेके जा रहे थे, हम गोपालगंज वापस जा रहे थे घर अपना। तो बोले कि कितना किराया तय हुआ था, हम लोग 120 रुपया तय हुआ था, तो काहे नहीं लिए, हम लोग किराया बहुत कम था इसके लिए हम बोले ये भी छोड़ देते हैं बस। उसके बाद थाना पर गए, तो थाना वाला पूछे कि क्या करें, बोले वो लेडीज जो बताएंगे हम आए हैं, वो जो बताएंगे वो आप कीजिएगा, हम क्या बताएं। महिलाएं जब अत्याचार करती हैं पुरुषों पे, तो पुरुषों पे कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है, औरतों की बातों को लोग सच मान लेते हैं कि नहीं औरतें जो है सही होती, चूंकि उसको 2-3 हथियार मिला हुआ है जिसमें मुख्य हथियार उसका रोना धोना है, चिल्लाना है, अपने कपड़े को फाड़ लेना, ये सब उसका अस्त्र शस्त्र है जिससे वो किसी भी पुरुष को प्रताड़ित कर सकती है, चिल्ला सकती है, और समाज के एक मर्द को पीटने का काम मर्द ही करते हैं उस महिला के चक्कर में आकर के। ऐसी ही एक दर्दनाक मार्मिक कहानी है, एक ई रिक्शा ड्राइवर हैं, चालक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं रिक्शा चलाते हैं और अपना घर परिवार जो है ये अपने बाल बच्चों का परवरिश इससे करते हैं। 28/5 को एक घटना घटित होती है इनके साथ, रात्रि 10 बजे ये कुछ पैसेंजर महिलाएं थीं, उनके दो बच्चे थे, महिला और उन बच्चों को बरौली थाना अंतर्गत देवापुर जाना था, लेकिन किराया तय होता है इनसे और ये समझते हैं कि देवापुर जो माझा के पास है उस देवापुर जाना है, और 120 रुपये अपना किराया यह तय कर लेते हैं और जाते हैं रास्ते में। तो रास्ते में पता चलता है कि नहीं हमें बरौली थाना अंतर्गत जो गोपालगंज जिले में है उस देवापुर हमें जाना है। क्या होगा आपका नाम? जी सुरेश चौधरी नाम है, घर वो लोग पूछे थे कहाँ घर है, तो हम गांव बतवाए, भगवानपुर घर पड़ता है, किराए में रहते हैं बंजारी जी। तो वो लोग बोले कि संतोष जी के घर से किधर, हम कहीं उनका घर से आगे है, उनसे पूछ लीजिए जो कैसा आदमी है, कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है, वो बता देंगे। तो बोले हम लोग नहीं पूछेंगे, हम लोग मारेंगे, तो वो लोग मरने लगे हमको द्वार पर। एक चीज बताइए, जब गोपालगंज कितने बजे वो लोग आपके रिक्शा में बैठे? 8:30 में बैठ गए थे रात को। जी रात को 8:30 में, 8:30 में बैठ गए थे। बैठ गए और कितना किराया तय हुआ था? हम बोले तो 150, बाकी वो बोले 100, तो 120 रुपये में तय हुआ था। तो आप मतलब किस देवापुर जाने के? हम ये देवापुर जो अपना छवाई के लगे कबलासवा से आगे है जी, ये देवापुर जी। तो वो लोग क्या बोले भी रास्ते में जाने के बाद? रास्ते में बोले कि नहीं आगे से बताएंगे घूमना है कहाँ से, हम बताएंगे चलते रहेंगे, हाँ चलते रहिए चलते रहिए। तो कोई नहीं चले गए, तो हम बोले कि आप देवापुर कोई नहीं के आगे है देवापुर वहाँ ले जाएंगे, तो बोले कि हाँ वहीं ले जाएंगे। तो हम बोले कि यहाँ का तो 400 रुपया भाड़ा है, आपसे तो 120 रुपया तय हुआ है, आप तो वही देंगे। तो हम मन में सोचे कि इनसे पहुँचा के द्वार पर और किराया नहीं लेगा, हम वापस चले आएंगे, ऐसा समझे हैं कि आज बैठे ही हैं नहीं कमाए हैं, मालिक के जो देना है किराया उतना कमा लिए हैं, बाकी कोई बात नहीं, बहुत पैसा कम था इसीलिए हमसे पत्रकारों पूछे दरोगा साहब पूछे यही बात बताए। एक मिनट, जब वहाँ पहुँच गए जी,
पहुंच के वो लोग महिलाएं उतर गई, उतर गई, लड़के उतर गए। पैसा आपने लिया? नहीं पैसा नहीं लिए, पैसा गिन के वो लोग रख रहे थे 120 रुपया दे रहे थे। हम बोले कि ना रख लीजिए, किराया हमको नहीं चाहिए, बहुत कम में आए, ये भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, गोसा में। उसके बाद आप गाड़ी बैक कर? हाँ, बाइक गाड़ी घुमा दिए। हाँ। वो ये रास्ता से जा रहे थे, दूसरा रास्ता में रिटर्न गोपालगंज हो रहे थे। हाँ, हाँ। जी, तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये लोग मोटरसाइकिल से पीछा किए, हमको बोले हाँ। कि लड़का लेके भाग रहा है, बैग लेके भाग रहा है। तो हम बोले कि हम तो बैग सब बोलेंगे उतार लीजिए, लाइट पर देख लीजिए लाइट जला के, और लड़का उतर गए थे। तो बोले कि नहीं, तू लड़का लेके गाड़ी घुमाओ। तो हम एक टूम बोले, हम उसी में गाड़ी घुमा दिए कि हम तो पैसा लिए नहीं है और लड़का सब उतर गया है, तो इसके लिए हम गाड़ी घुमा के आए हैं उनके द्वार पर। वो हमको मारने लगे, द्वार पर मारे, खेत में ले गए, फिर बैठे थे, टी शर्ट फाड़ दिए, उसके बाद टी शर्ट दिए, टी शर्ट पहन के हम जा रहे थे थाना। फिर पेपर लाए थे, वो पूछे, उनको बताए कहाँ लेके जा रहे थे, हम गोपालगंज वापस जा रहे थे घर अपना। तब बोले कि कितना किराया तय हुआ था, हम बोले 120 रुपया तय हुआ था। तो काहे नहीं लिए, हम बोले किराया बहुत कम था, इसके लिए हम बोले ये भी छोड़ देते हैं बस। उसके बाद थाना पर गए, तो थाना वाला पूछे क्या करें, बोले वो लेडीज़ जो बताएंगे, हम आए हैं, वो जो बताएंगे वो आप कीजिएगा, हम क्या बताएं अब, हम तो आए हैं, हम बोलेंगे घर पर जो हमारा घर के पास जो नाम रखे थे आप पता कर लीजिए, बाकी पता नहीं किए हमको मारे हैं बस यही। आज सवेरे हम आके उनको टी शर्ट अकेले जाकर द्वार पर आवाज़ लगाते गए कि भाई कोई है बाहर आओ, तो कोई बाहर नहीं है, अंदर से बोल रहे हैं वो लोग लेडीज़ कि क्या काम है। बोले टी शर्ट दिए थे चनावे जाने के लिए, चनावे आप नहीं जानती हैं, तो रिटर्न टी शर्ट करने आए हैं। तो बोले कि ले जाइए, कन ले कर जाएंगे तो हमारा किराया इसमें बराबर मैंने बराबर हो जाएगा, मीना हो जाएगा, इसलिए हम नहीं ले जाएंगे कि हम अपना किराया छोड़ दिए हैं, आपको टी शर्ट अकेले देने आपको द्वार पर आए हैं बस। मतलब इतना सीधा ड्राइवर मुझे नहीं लगता है कि होते होंगे जितने आप सीधे हैं, कि वहाँ पे जबरदस्त पिटाई हुई, उन लोग का एकदम पूरा प्लान हो गया था कि इसको चनावे तक भेज देना है, और उस दरवाजे पे फिर दोबारा जो है ये टी शर्ट पहुँचाने के लिए आप चले जाते हैं। डर नहीं लगा था? नहीं नहीं, डर इसलिए नहीं लगेगा कि हम चोर नहीं है, चोर रहते तो वहाँ गाड़ी के ब्रेक नहीं लगाते, हम सीधे चले आते अपना घर। बाकी हम आवाज़ देते उनको द्वार पर गए और बोले कि टी शर्ट जो दिए थे देने के जाने के लिए हम गए नहीं, और ये टी शर्ट अगर हम आपस नहीं करते हैं तो हम जो किराया बाकी है उसमें बराबर हो जाएगा, मीना हो जाएगा, जी, जी, जी। इसके लिए हम आपस करने अकेले आपको द्वार पर आए। अच्छा, वहाँ पे पत्रकार लोग भी आ गए थे? हाँ, रात में आ गए थे, रास्ते में, रास्ते में आए थे। और आके क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि कहाँ घर है, कहाँ जा रहे थे, बच्चा लेके भाग रहे थे। हम बोले कि बच्चा लेके नहीं भाग रहे थे। बाकी दरोगा साहब आए थे तो बोले हैं कि इतना उम्र है आप क्यों किराया छोड़ रहे थे। हम बोले बहुत किराया कम था, तो गुस्से में किराया छोड़ के हम जा रहे थे। जी। तो वो लोग बोले कि गरीब आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। तो बड़ा बाबू बोल रहे हैं? हाँ, बड़ा बाबू बोले हमारे सामने, उन लोग से कह रहे हैं। तो बोले कि नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, आपको पैसा लेके नहीं छोड़ना है, हम लोग थाना में पता करेंगे, चनावे जाके पता करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। हाँ ना, उसके बाद छोड़ेंगे कहाँ, जेल भेजवा, हाँ जेल भेजवाएंगे। उसके बाद बोले थे कि दरोगा साहब इनको छोड़ना नहीं है, ये टी शर्ट दे रहे हैं पहन के जाएंगे। उसके बाद पेपर वाला हमको, उसके बाद हमको पूछे दरोगा साहब पूछे कि इतना उम्र हो गया, एड्रेस आदमी सही बता रहा है, जहाँ घर रहेगा वही ना बताएगा, वही बताएगा। आपको ये भी बोला कि जो आप नाम रख रहे हैं जिस आदमी के, उस आदमी से आप फोन कर लीजिए कैसा है। तो बोले नहीं, हम लोग मारेंगे लड़का, आरोप लगा के कि किन्नी बेचता है। ये देखिए, ये इतना इनको मार मारा गया है उस देवापुर में, उन महिलाओं के चक्कर में इतना इनको मार मारा गया है कि आपको बता दें कि इनको सीटी स्कैन करवाना पड़ गया। ये सीटी स्कैन सदर अस्पताल में जाके करवाए हैं। तो भी ई रिक्शा चालक हैं या कोई भी ड्राइवर व्यक्ति अगर इस न्यूज़ को हमारे देख रहे हैं तो उनसे एक आग्रह है, निवेदन है कि अगर रात्रि में आप कहीं जाते हैं तो उनका सबसे किराया तय करने से पहले आप उनका एड्रेस पता कंफर्म कर लीजिए कि कहाँ जाना है और कितना है, ताकि आगे चल के आपके साथ ऐसी कोई घटनाएँ ना घट जाए। बात है ना जी? जी नहीं तो मान लीजिए कि रात में बुला कर ऐसे आपको बच्चा चोर साबित करके और इतना मार मारा गया एक गरीब व्यक्ति को। और इससे एक दिन पहले तो लखपतिया मोड़ गए, तो बोले पैसा मांग रहे थे, तो बोले गाड़ी के पलट देंगे, कहे पलटन दे देंगे आप भाग जाइए। तो हम भी छोड़ के चला है, बोले गाड़ी पलट जाएगा तो हम कौन उठाएगा रात में, इसीलिए हम बोले किराया नहीं, वैसे आदमी से किराया लेना छोड़ देना बस, इसी तो क्या करें। ये हमारे बिहार के आम लोग हैं जो
कैसे परेशान करते हैं अगर किसी सीधे साधे व्यक्ति से पाला पड़ जाए, यही थोड़ा सा थोड़ा हुंड व्यक्ति का आदमी से पाला पड़ गया होता तो कहीं यही उलाट के चले जाते हैं उन लोगों को, बात है ना जी। जी ऐसा मैंने सोचता है कि जैसे हमारा बच्चा है वैसे सबको बच्चा है, ऐसा गलती ना करे किसी की मैंने गाड़ी उलाट दे, हमको चोट लगेगा किसको लगेगा कोई जानता नहीं है, जो किसका लगेगा उल्टे का गाड़ी तो वो भी चोट खाएगा हम ही खाएंगे, ऐसा हम कभी मैंने सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि रोजी रोटी है अपना चलाते हैं, गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो, दो पैसा कमाते रहें, मालिक को देते रहेंगे, अपना भी होते रहेगा कुछ।